अस्सलामुअलैकुम जी, अब्दुल कय्यूम। आज क्योंकि कवरेज मेरी चल रही है और पहला दिन है और स्टार्ट डे का मेरा इसी तरह होता है कि मैं कॉलेज आता हूँ, घर से तैयार होकर सीधा क्लास मेरी होती है। कॉलेज क्योंकि रूटीन की है मेरी सारी बात, कैफेटेरिया क्रॉस करते हुए अक्सर स्टूडेंट से यहीं पे ही ना मुलाकात हो जाती है सबके साथ। ये आप देख लेंगे, म्यूज़िक भी चल रहा होगा, कैफेटेरिया भी आबाद है पूरा। तो ये जी डिपार्टमेंट है हमारे कम्युनिकेशन डिज़ाइन का और यहीं पे बेसिकली हमारे लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट है फोटोग्राफी, जिसकी क्लासेस लेने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे। तो जी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की क्लास होगी ऊपर, आ जा बेटा तू भी अपनी स्क्रीन चेक करा ला। ये जी बासी है, स्टूडेंट है हमारा, बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। आ जाओ ऊपर आप लोग। क्लास रूम में अब हम जाएंगे, इसी फ्लोर पे ये हमारा स्टूडियो भी है, डॉक्यूमेंट्स भी इसी पे हैं, क्लास चल भी रही है। ऑफिस में हम लोग पहले आएंगे। ये हमारा छोटा सा ऑफिस है डिपार्टमेंट का, इसी के अंदर सबसे पहले आके इकट्ठे होते हैं और यहाँ से फिर हम आगे फर्दर क्लास में चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्लास अभी हम स्टूडियो के अंदर एक राउंड अप ले लेते हैं कि स्टूडियो में हमारे क्या क्या इक्विपमेंट है। ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स ने की हुई हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, जिनको हमने यहाँ से असाइनमेंट्स ये कराई हुई हैं मुख्तलफ, कि मतलब जो लेवल काम का है या जो कुछ हम सिखा रहे हैं यहाँ पर, ये फैशन से लेके प्रोडक्ट पर्सनैलिटी हर तरह के इसके अंदर शॉर्ट्स हैं मुख्तलिफ तरह के। डेनिम के ऊपर भी था कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि या जीन्स का करना है। इसी तरह ये फूड के ऊपर है सारा, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड फूड बेस्ड असाइनमेंट्स हैं ये वाली उनकी। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर इस तरह के असाइनमेंट्स इनको दी जाती हैं। उससे पहले जो है हम इनको ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट के ऊपर काम करा लेते हैं, आर्ट पेस्ट होता है थोड़ा सा काम, उसमें डार्क रूम का काम ज़्यादा होता है हमारा और इसका थोड़ा होता है कैमरे के ऊपर, थोड़ा सा हम कम ही रखते हैं इनको, लेकिन ब्लैक एंड वाइट के ऊपर रखते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, क्या असाइनमेंट्स चल रही है और क्या है, किस किस को क्या समझ में आया है अभी तक? अच्छा जी, यहाँ से बेसिक डिस्कशन के बाद हम लोग स्टूडियो के अंदर आएंगे, स्टूडियो में देखेंगे कि जी क्या रूटीन है। ये हमने दिखाई दिया था कि इक्विपमेंट है, यहीं पे हम लोग उनको बेसिकली समझा रहे होते हैं कि किस तरह काम करना है। लाइट सेटअप का सारा इशू होता है कि किस तरह लाइट सेटअप हैं सारे। ये वाली लाइट इधर लेके आज यहाँ पे हम लोग क्लास जोन सी है ना, उसके ऊपर पोर्ट्रेट के ऊपर हम काम करेंगे कि जी पोर्ट्रेट किस तरह एक्सपोज स्टूडियो के अंदर किया जाता है। तो ये भी उसका हिस्सा ही है, डिजिटल इमेजिंग होगी, एक मेल एक फीमेल किसी को भी आपस में क्लास है सारी, ये पूरी प्रैक्टिस करेगी एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि मॉडल नॉर्मली प्रेफरेबली आपस में यहाँ पे एनसीए के अंदर मिल जाते हैं। बाकी चलो जी आ जाओ। लाइट भी हमने एक साइड से स्ट्रॉन्ग रखी हुई है, नज़दीक रखी हुई है, दूसरी साइड से डिस्टेंस पे रखी हुई, ताकि फेस भी अगर राउंड है तो वो थोड़ा सा स्लिमर हो जाए थोड़ा सा। क्लास को असाइनमेंट दे दी, वो अब काम करते रहेंगे हम लोग, थोड़ी देर बाद ऑफ एंड डाउन बीच में जाके चेक करेंगे, देखेंगे किस तरह है सारा, जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो बताएँगे। कुछ बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ तो मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत। बहरहाल अच्छा काम हो रहा है और अच्छे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ। क्लास तो ऑलमोस्ट ओवर हो गई है और अब कॉलेज से बाहर निकलेंगे हम लोग। इसके बाद मेरी रूटीन होती है कि पार्किंग से होते हुए हम लोग मार्केट में, मैंने डेली तकरीबन जाना होता है। एक तो ये कि मुझे पता होता है काम शाम डिलीवर करना होता है, सेकेंडली थोड़ा सा देखना होता है कि नया इक्विपमेंट या क्या चीज़ें नहीं आ गई हैं, तो उसको देखते हैं कि क्या किस तरह हमें ऑफ एंड ऑन क्या मिल जाता है वहाँ से कोई नई चीज़।
मैं ड्राइव कर भी रहा हूँ या ड्राइव करके पीछे भी बैठा हूँ, कई दफ़ा बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी, तो एक चीज़ जो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, वो जो रिक्शों और वैगनों के पीछे और बसों के पीछे जो शेर लिखे हुए होते हैं, मैसेजेस लिखे होते हैं, बड़े बड़े मज़ेदार मैसेज, ट्रक गुजर रहा है उसके पीछे कुछ लिखा हुआ होगा, तो उसको मैं बहुत इंजॉय करता हूँ चलते फिरते। बाकी क्योंकि काम हमारा लाइट के साथ है और लाइट की मूवमेंट जो है ना, सन के आउटडोर में हो, डे में हो, बल्ब की रोशनी हो, वो मैं ज़रूर देख रहा होता हूँ कि यह शेडो इस वक्त ये पड़ रहा है, फिर इसमें अगर कोई टेक्सचर नज़र आ रहा है तो क्यों नज़र आ रहा है, किस एंगल पे लाइट पड़ रही है तो नज़र आ रहा है, क्या चीज़ किस तरह, कौन सा कलर किस कलर के अगेंस्ट बेहतर नज़र आ रहा है। रूटीन में यही होता है, कॉलेज से निकल के कई दफ़ा क्लासेस मेरी 5 बजे तक चल रही होती हैं, तो उस दौरान तो लंच वहीं पे हम लोग मंगवा भी लेते हैं और वहीं पे कैफेटेरिया से भी कुछ खा लेते हैं, लेकिन अगर टाइम हो प्रेफरेबली तो मैं अभी जिमखाना चला जाता हूँ खाने के लिए। बाकी ज़रूरी नहीं है खाना अच्छा कहीं रेडी से भी मिल रहा होगा तो मैं खा लूँगा, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्योर पंजाबी कि जी कश्मीरी होने के नाते खाने का शौक़ बहुत है, पकाने का बिल्कुल नहीं है मुझे। अच्छा खाना मिलेगा जहाँ भी मिलेगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, खाऊँगा ज़रूर।